नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूँ आपके साथ नफीसा। लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गुजरात की जनता का क्या है मूड, इस बार गुजरात के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आपको बता देते हैं कि ठीक पीछे चाय की दुकान है और चाय से मुझे याद आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचकर आज PM बन गए, अहमदाबाद में मौजूद है और उन्होंने भी आज अहमदाबाद के अंदर सभा की। सभा में कई तरीके के निशाने विपक्ष पर साधे। वहीं कांग्रेस को लेकर BJP लगातार हमला कर रहे हैं और चाय बेच रहे भैया। सवाल करेंगे कि इस बार विपक्ष कितना मजबूत दिखाई दे रहा है, सत्ताधारी पक्ष सत्ता में जो मौजूद है सरकार वो कितना कमाल कर रही है। सर, सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, क्या नाम है सर? मुजफ्फर जी, कब से चाय बेच रहे हैं पहले तो बताइए। 20 साल से। 20 साल से चाय बेच, क्या लगता है कि जब चाय बेचते हैं 20 साल हो गए, कोई विकास नहीं हो पाया, आपकी कोई तरक्की नहीं दिखती? क्या तरक्की होएगा, चाय का भाव 5 रुपए है, 5 रुपए में क्या होएगा, सब चीज का भाव तो महंगा ही है। कितनी चाय बेच लेते हैं पूरे दिन? बेच लेते हैं 2-4 हजार का। 2-4 हजार एक दिन का? हाँ। तो बढ़िया काम है, तो फिर ठीक है, पकार पानी मिल जाता है। पकार पानी और महंगाई को लेकर क्या कहेंगे फिर? महंगाई तो चलते रहता है, सबके लिए महंगाई है, खाली मेरे लिए थोड़ी महंगाई है। दिक्कत होती है महंगाई से? तो महंगाई से तो दिक्कत तो होती नहीं, हम लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे काम करने। दिक्कत कहाँ से आया? बिहार से इधर आए। तो क्या 20 साल से आप चाय बेच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ की राजनीति में क्या बदलाव आया 20 सालों के अंदर? ठीक है, राजनीतिक में तो जैसा है अच्छा ही है, पहले से अच्छा ही है। अच्छा, अभी आपने चाय चखी, चाय का टेस्ट तो चख लिया, अब चुनावी टेस्ट क्या बन रहा है, क्या चख रहे हैं इस वक्त चुनावी घूम रहे? शक्कर के लिए चख रहे हैं। नहीं, तो चुनावी माहौल क्या है? ठीक है, चुनावी माहौल क्या जोर दिखाई दे रहा है, इस बार कौन आने वाला है? ये तो पब्लिक ही कहेगा कौन आने वाला है। आप भी तो पब्लिक है, इस बार क्या मन बनाए बैठे, माहौल तो देख पा रहे हैं ना यहाँ का? कोई भी आएंगे हमारे को तो चाय बेचने ही पड़ेंगे। बड़ा सवाल कह रहे कि कोई भी आएगा चाय बेचते, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। घबरा क्यों रहे, चाय वाय बढ़िया पीते हैं आके? अरे रोज पीता हूँ आके यहाँ पे। कैसी लगती है आपकी चाय? बहुत अच्छी चाय है, पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे आके चाय पी रहा हूँ। 1 साल से चाय पी रहे, PM मोदी भी चाय बेचते थे? हाँ जी, पता है मेरे। कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी अच्छा है, अहमदाबाद गुजरात के लिए अच्छा काम किया हुआ है उन्होंने, बाकी रिवरफ्रंट का काम प्रोजेक्ट उन्होंने किया हुआ है, फिर और जो एयरलिफ्ट जो पिक्चर आई थी उसमें जो नरेंद्र मोदी जी ने वो एयरस्ट्राइक भी किया था, वो दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट की थी। लगातार आप विकास के मुद्दे गिनवा रहे हैं कि भाजपा ने ये काम किया, आपने गिनवा दिया, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पर क्या कहेंगे? मैं उसके ऊपर ये मुद्दा उठाना चाहूँगा कि अगर कोई भी सरकार आती है, चाहे भाजपा आए चाहे कांग्रेस आए, तो मैं ये अपील करना चाहूँगा उनसे कि भाई देश में काफ़ी महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो पहले तो महंगाई है वो काबू में लाए, वो कम करें, क्योंकि जो रोज़ कमा के खाने वाले जो इंसान है और जो मिडिल क्लास की जो पब्लिक है वो उनको बहुत तकलीफ़ पड़ती है। ठीक है, वो लोग कहाँ से इतना सारा कमाएंगे? तो और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे दवाइयाँ हो गई, किराने की मतलब अनाज पानी हो गया, पहनने के कपड़े हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर सरकार, कोई भी सरकार आए तो वो उसके दाम कम करे, ताकि जो लोग हैं जो मिडिल क्लास की जो पब्लिक है वो उनको कोई तकलीफ ना हो, वो अच्छी तरह से जी सके, मैं ये कहना चाहूँगा। चीज़ें गिनवा दी कि गरीबों को इन चीज़ों का समस्याएँ होती है। हाँ। लेकिन कब काम होगा, 27 साल से भाजपा यहाँ पे? हाँ, और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, 27 साल से भाजपा यहाँ है, क्या काम क्या है गरीब जनता के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया हुआ है, खाली वो लोग ऐसा जब भी मतलब इलेक्शन आता है तब वो लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, फिर जैसे ही उनको वोट पार्टी आ जाती है, उनको वोट मिल जाता है, फिर वो लोग कुछ भी नहीं करते, सब वायदे भूल जाते हैं, कि भाई उनको फिर नॉर्मल जो पब्लिक होते हैं उनकी कुछ पड़ी नहीं होती है। अभी भी वादा किया है 20 लाख नौकरियाँ देंगे, वो पता नहीं वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है कि कोई भी सरकार आए तो वो सबसे पहले जो पैसे अभी जो जैसे भाजपा है अभी तो वो रिवरफ्रंट के ऊपर पैसे खर्च करिए, प्रोजेक्ट बना रही है, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें पैसे क्यों बर्बाद कर रही है सरकार, इतने सारी गरीब जनता है इंडिया में, तो उनको अच्छी तरह से उनको पैसे दो ना, उनको आगे लाओ ना गरीबों को, वो तो आगे नहीं आ रहे, वो तो वहीं का गरीबों के लिए काम नहीं कर रही, क्लास की पब्लिक है वो वहीं के वहीं है। सरकार गरीबों के लिए काम नहीं कर रही, बहुत कम कर रही, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही है, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही। और क्या देख रहे हैं, परिवर्तन की लहर दिख पा रही है क्या? पता नहीं अभी जो भी सरकार आएगी वो कुछ क्या करेगी क्या नहीं, मेरे हिसाब से सारी जो भी सरकार है सब एक जैसा ही है, कोई हिसाब से कौन आना चाहिए, कौन जनता की पुकार बन पाएगा? मैं ये अभी कहना नहीं चाहूँगा कि कौन सी सरकार आनी चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार आए मैं ये चाहता हूँ, मेरे को ये पता है कि कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई पब्लिक के लिए कुछ आम जनता के लिए कोई कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ उनके चाचा ये कह रहे कि कोई किसी के लिए करने वाला नहीं है, डर काहे रहे चाचा, बात तो कीजिए। अच्छा, मसाला खा रहे तो पान तो मोदी जी भी खाते थे
गुजरात का चुनाव में क्या होने वाला है? देखो, गुजरात के चुनाव में अभी कोई कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस भी इतना है और भाजपा भी है। बाकी हमको तकलीफ, गरीब हम हैं तो हमको मालूम है कि बहुत तकलीफ अभी है, जब से भाजपा आई है बहुत तकलीफ पड़ रही है। क्या गरीबों की तकलीफ है? भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया है। क्या खाली बातें करते, कोई बात बताई नहीं कि ऐसा काम करके दिया गरीबों को, ये देंगे वो। ये सारी योजनाएं लेकर आए, उसका लाभ नहीं पहुंच पाया आप तक? कोई चीज नहीं, अभी तक का कोई लाभ नहीं मिला हमको, कोई लाभ। जनता का गुस्सा किस पे फूटने वाला है, क्या देख पा रहे हैं? भाजपा पे ही हमको तो गुस्सा है, भाजपा पे गुस्सा है। तो गुस्सा फूटेगा इस बार? फूटेगा। मोहब्बत किस पर बरसाएंगे? कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस पे। आम आदमी पार्टी का क्या होगा? कांग्रेस थी तो सबको राहत थी, इतनी तकलीफ नहीं थी कांग्रेस के। कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों की सरकार थी, सरकार की थी। ये आई है जब से सबको तकलीफ, गरीबों को हो गई है। क्या तकलीफें आपको हो रही है इस बार भाजपा सरकार में? अभी हम धंधा करते हैं, हमको हर चीज में धंधे में भी बाटला है, गैस का हम धंधा करते 1200 रुपए का बाटला हमको 500 रुपए 700 रुपए में मिलते ला, आज 1200 रुपए 1300 रुपए का बाटला लेना पड़ता है। ये हमको तकलीफ, बाटला मिल जाता है सरकार? कोई नहीं मिलता फ्री में, खाली बातें। कौन सा फ्री में मिला है, किसको मिला है? आप खाली बातें, इस बार भी बातें देख रहे हैं आप, वादे देख रहे हैं, विश्वास हो पा रहा है? हाँ, वादे ये कोई वादा नहीं पूरा करता है, खाली बातें। ये कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस सब आराम से आदमी खाना पीना सबको तकलीफ नहीं थी, क्योंकि गरीबों के लिए सब कुछ इतना सस्ता था कि वो कर सकती थी उसका। और इसमें इतनी महंगाई हुआ, तेल का भाव देखो कितना है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसका क्या देख पा रहे हैं आप? अब आम पार्टी को आएगी तो हम देखेंगे वो क्या कर रही है, अभी तक के तो देखा नहीं आम पार्टी का काम। यकीन है उसके वादों पर? आएंगे, वो वादा करे ना पूरा करे तो यकीन होएगा। चाचा कैसी बनी है चाय? चाय बहुत अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, मिठास है, मिठास है। इस बार गुजराती किस पर मिठास बरसाने वाले हैं ये भी बता दीजिए। कांग्रेस पे बरसाने वाले हैं। 1% बोल दिया कांग्रेस, क्यों? कांग्रेस क्यों पसंद है? कांग्रेस इसके लिए पसंद है कि उसने 70 साल जो काम किया है इसके हिसाब से 70 साल काम किया है। भाजपा तो कह देते कुछ नहीं करा, 70 साल में देश खराब कर दिया। कब ऐसा हुआ वो भाजपा वाले ने बेचा है? भाजपा वालों ने बेच दिया? हाँ। क्या क्या बेच दिया चाचा? ये रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे एयरपोर्ट, ये LIC। हाँ। तो आपको याद तो होगा पीएम मोदी ने कहा था बेचने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, कुछ भी चौकीदार हूँ मैं तो। हाँ, तो फिर भी बेच दिया उसने। और अदानी और अंबानी को ये बैंक बंद करवा दिए, बैंक के सब पैसे बढ़वा, अदानी अंबानी को अंबानी के लिए काम किया। इस बार जनता क्या चाहती है, क्या देख पा रहे? परिवर्तन होगा इस साल होगा सत्ता में कांग्रेस, आप ऐसा कह रहे हैं? आ सकती क्यों कांग्रेस, क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? आप वाला जो है वो बीजेपी के वोट तोड़ेगी, उसमें कांग्रेस आनी होगी। आप वाला बीजेपी की वोट तोड़ेगी, लेकिन जनता, बाकी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को नुकसान होने वाला है आपके आने से। अमुक जगह है वो कांग्रेस को नुकसान होगा, ज्यादा करके भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी, भाजपा को नुकसान होने वाला और कांग्रेस आ रही है। चाचा चाय तो खत्म हो गई आपके, फोन पे भी बड़े व्यस्त लग रहे हैं मोदी जी की तरह। मोदी जी क्या बोले उसको अभी? अच्छा चलिए बताइए, चुनाव का क्या माहौल देख पा रहे हैं, किसकी सत्ता आने वाली है इस बार? चलो इस बार MIM क्या नहीं, क्यों? बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है। हाँ, अच्छा, वोट काटने आया वो तो? वो कोई नहीं, वोट काटने कोई नहीं आया है, बेहतरीन आदमी है, बैरिस्टर है वो। नहीं लग रहा कि नई नई पार्टी कैसे आ जाएगी? आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, मेहनत करेंगे सब आ जाएगी। अभी मेहनत कांग्रेस भाजपा आम आदमी सबको पीछे पछाड़ दे, सबको पीछे, सबको। क्यों उस पे विश्वास क्यों रहा ओवैसी की पार्टी? मिनिस्टर है वो, सब चीज सब जानता है वो, क्या है क्या नहीं है हिंदुस्तान के अंदर पूरा जानता वो। क्या हो गया माता जी, क्यों गुस्सा हो रही है? ऐसा बोलती हूँ कोई भला नहीं करेगा, आप कमा के खाने वाला का है, धंधा कर सू तो कमाई का सू, कोई भाजपा है नहीं यहाँ पे, केक पिलाई नहीं यहाँ पे, कोई कांग्रेस कोई आपसे मेहनत कर सू तो खा सू बरोबर जे आवे खाना, आप क्या मेहनत करी नहीं खावानू? मतलब गरीब मेहनत करता है खाता है, वोट भी तो देता है ना गरीब पर, कोई आपा नहीं आवे, सब सबका घर भरते है। माता जी वोट देता है गरीब,
बटन दबाता है तो कुछ तो सोचता होगा, उम्मीदें होंगी। कोई नहीं तो नरेंद्र मोदी साहब अच्छा करिया तो उम्मीदवार में इनको देते हैं पैसा ज़्यादा ज़्यादा देते हैं, और जो वो आया तो कोई धमाल होती नहीं है। तो कहती है कि गरीबों के लिए घर दूंगा, अच्छा है, सब मल के रहते हैं, कोई धमाल होती नहीं है, मल मल संपिंड ऐसे सब लोग मिलकर रहते हैं, लड़ाई नहीं होता। नहीं होते तो कहते हैं कि यहाँ पे अच्छे में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, बताए मली हम पिंड है, कोई दिया धमाल नहीं था, थी था इससे नहीं। चलिए तो एक बात ही बताइए, मोदी जी को जानती है? हाँ मोदी जी अच्छा है, अच्छा है, सब कुछ बता सुधारिया आका एरिया सुधारिया, मेहनत अच्छी रीति रहो, सब हिंदू मुसलमान बता मिल के रहो, धमाल नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, सम पिंड हो। तो काम अच्छा किया मोदी जी ने, अच्छा करा। सीएम को जानती है? पल बनाया के मुख्यमंत्री को जानती है? मुँह इधर तो रहती हूँ, इधर है कमा। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोदी साहब बोलते हैं तो आप मुख्यमंत्री भी मोदी साहब, चल क्या रहा है यहाँ पे? मैंने तो बहन कोई का नाम नहीं आता। ये बताइए मोदी जी कह रहे हैं कि घर दे दूंगा पक्के, नल दूंगा, जल दूंगा, यकीन है आप? या मोदी साहब घर आप खोटू सुना अच्छा कर रहे, सब मिल के रहो, वापस आनी चाहिए भाजपा। हाँ जे आवे कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। अरे जे आवे आप रे ये आपसे तो हमना कांग्रेस आपसे तो हमना घर बढ़ते, भाजपा आपसे तो हमना घर बढ़ते, कोई गरीब लोग को अमूल लोग आपसे नहीं, हमारे मेहनत करी नहीं खावानू से मेहनत खासू धंधा करती है, मेहनत करती है और खाती है।